हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग BLSE सर्विस IPO का रिव्यू करने वाले हैं। जानेंगे कि कंपनी करती क्या है और इस कंपनी में कुछ दम है कि नहीं, IPO अप्लाई करने लायक है कि नहीं, किस दिन IPO ओपन हो रहा है, किस दिन क्लोज होगा, और इसको जानेंगे कि कंपनी प्रॉफिट बना रही है कि लॉस में अभी चल रही है, और कंपनी के ऊपर उधारी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि BLSE सर्विस का मैंने यहाँ पे साइट ओपन कर लिया है। और दोस्तों, ये क्या काम करती है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिचार्ज, बिल पेमेंट, APS, BPS, माइक्रो ATM, आधार पे, मनी ट्रांसफ़र एंड मनी मोर, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो भी काम है सब ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करना है, और जो भी काम ये करता है सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। IRCTC टिकट बुकिंग है और वीजा पासपोर्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अमेजोन भी है और यहाँ पे फ्लिपकार्ट भी है। दोस्तों, उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंश्योरेंस है और ये आल रिचार्ज है। यहाँ पे दोस्तों, आपने देख लिया कि कितना ये काम करती है, सब कुछ इसका ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे दोस्तों, सब कुछ साफ साफ लिखा भी हुआ है कि ये कितना काम इसका है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं इसका GMP प्रेजेंट टाइम पे अभी क्या चल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे इसको GMP तो चल रहा है 160 रुपया GMP चल रहा है 28/1/2024 में। आप देख सकते हैं कि इसका जो GMP है 160 रुपया चल रहा है, 135 रुपये पर ये IPO दोस्तों आ रहा है। और आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इसका जो लिस्टिंग गेन हो सकता है 118% का रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर ये IPO 295 रुपये पर लिस्ट होता है तो 118% का आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये GMP केवल है, ये ग्रे मार्केट प्रीमियम जिसको हम लोग बोलते हैं, ये दोस्तों 100% श्योर नहीं होता है कि इतना आपको परसेंट रिटर्न मिलने वाला है। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो। अब चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि IPO ओपन कब हो रहा है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि ये ओपन हो रहा है। इसका जो ओपनिंग डेट है यहाँ पे ट्यूजडे 30 जनवरी 2024, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसका जो क्लोजिंग डेट है 1 फरवरी 2024। तो ये ट्यूजडे को दोस्तों ओपन होगा और थर्सडे को क्लोज हो जाएगा। इस 3 दिन के बीच में दोस्तों आपको अप्लाई करना रहता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, 3 दिन का टाइम रहता है। और बेसिक अलॉटमेंट आएगा फ्राइडे को, और जो इसका रिफंड आएगा दोस्तों 5 तारीख यानी मंडे को इसका रिफंड आ जाएगा। और क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट यानी डीमेट अकाउंट में जो शेयर क्रेडिट होगा 5 तारीख को यानी मंडे को ही आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिया जाएगा। और दोस्तों, लिस्टिंग डेट आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 तारीख को लिस्टिंग इसका हो जाएगा। आप 6 तारीख को अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 6 तारीख को आप इसको बेच सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ कट ऑफ टाइम UPI मैंडेट कन्फर्मेशन 5 PM ऑन February 1, ठीक है। तो 1 फरवरी को दोस्तों आप 5 बजे तक IPO अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, UPI मैंडेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं IPO का डेट यहाँ पे लिखा हुआ है January 30, ठीक है, 1 फरवरी तक आप कर सकते हैं। लिस्टिंग डेट यहाँ पे नहीं लिखा है, फेस वैल्यू लिखा हुआ है 10 रुपया पर प्राइस फेस वैल्यू है, और प्राइस बैंड कितना रखा गया है 129 रुपये से 135 रुपये तक रखा गया है दोस्तों। और इसका जो लॉट साइज है दोस्तों 108 शेयर का है, आप यहां पे देख सकते हो। और टोटल इशू साइज दोस्तों यहां पे देख सकते हो लगभग 310 करोड़ का है, और यहां पे फ्रेश इशू है दोस्तों, यहां पे भी 310 करोड़ लगभग का है। उसके बाद दोस्तों, ये लिस्टिंग होगा BSE और NSE एक्सचेंज दोनों पे ये लिस्टिंग होने वाला है। और दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हो कि कितना परसेंट रिटेल कैटेगरी को दिया गया है, आप यहां पे देख सकते हो जो QIB है दोस्तों 75% ले गए हैं, उसके बाद में ये HNI कैटेगरी 15% ले गए हैं, बचा कितना 10% दोस्तों। और 100% में केवल 10% का यहाँ पे इशू साइज केवल रिटेलर को दिया गया दोस्तों, तो बहुत ही कम चांस है IPO मिलने का दोस्तों। तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो। और दोस्तों, आप IPO कितना अप्लाई कर सकते हो या चनाई कैटेगरी के कितना अप्लाई कर सकते हैं, और रिटेल में आप कितना अप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि आप अगर आप ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हो तो मैक्सिमम आप रिटेल में 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 1404 शेयर जहाँ आपको मिलने वाले हैं, और 1,89,540 रुपया वहाँ पे आपको लगेगा। अगर आप 1 लॉट अप्लाई करते हो तो 1 लॉट में 108 शेयर मिलेगा, जहाँ पे आपको 14,580 रुपया लगेगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, इस पर उधारी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दोस्तों इसका जो पीरियड इंडेड है, यहाँ पे डेट और ईयर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। कंपनी के पास एसेट कितना है दोस्तों, 2021 में 40 करोड़ था,
और यहाँ पे दोस्तों 55 करोड़ हुआ, थोड़ा यहाँ पे बढ़ा, फिर यहाँ पे 179 करोड़ हुआ, फिर 213 करोड़ हुआ, यानी कि जो इसका एसिड है दोस्तों बढ़ते क्रम में है, यानी कि एसिड इसका बढ़ रहा है, तो काफ़ी अच्छा एसिड ये इसका बढ़ रहा है। रेवेन्यू दोस्तों इसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ 2023 में, और यहाँ पे इसका जो प्रॉफिट है दोस्तों प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और इसका जो नेटवर्थ है दोस्तों नेटवर्थ भी इंक्रीज हो रहा है। और दोस्तों इसका टोटल उधारी आप देख सकते हो कि जब यहाँ पे जीरो हो चुका है 2023 में, ये जीरो जीरो दिखा रहा है, और 2021-22 में इसके पास 11 करोड़ का उधारी था, फिर 2022 में 8 करोड़ का उधारी था, तो अभी प्रेजेंट टाइम पे इसके पास कोई उधारी नहीं है, तो ये कंपनी प्रॉफिट में है और उधारी भी नहीं है, इसके पास डेब्ट भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों इसका जो कैपिटलाइजेशन है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 1226 करोड़ इसका कैपिटलाइजेशन है, और आरओई इसका 33% है, आरओसी इसका जो है 30% है, और यहाँ पे डेप्ट इसका कुछ नहीं है समझ लो। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो इसका पीबी रेशियो है 7.2% है, ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी अच्छी कंपनी है और आगे अच्छा ये कर सकते हैं, और लिस्टिंग गेन आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें मैं पर्सनली आईपीओ अप्लाई करूँगा, आप इसमें अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, मैंने सब कुछ आपको बता दिया साफ साफ, इसमें आपको लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए आप शेयर को खरीद कर रख भी सकते हैं, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छी कंपनी है दोस्तों, सब इसका काम है, ऑनलाइन काम है।